तो पहले भाइयों, ये मेरे पीछे खड़ी है न्यू ब्रेजा, और सबसे पहले आप इसके फ्रंट लुक्स की बात करते हैं। लुक एट द लुक्स। कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, काफी से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं आया हूँ आज मारुति के लॉन्च पे। किसका? ब्रेजा का लॉन्च हो रहा है नई वाली 2022, और पूरा लॉन्च दिखाएंगे गाड़ी कैसी है, एवरीथिंग। बने रहना वीडियो के अंदर, इसके फॉरवर्ड मत करना। नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर लीजिए। नीचे लाल वाले बटन दबाते हैं, घंटे वाले बटन दबाते हैं नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। तो ज़्यादा भी वक्त नहीं वेस्ट करते मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं पूरा का पूरा आज का लॉन्च। And CEO of Maruti Suzuki India Limited. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, thank you for joining us as we launch the all-new Brezza today. This is our sixth launch in the last 8 months, and it reflects our confidence in the India market. तो पहले भाइयों, ये मेरे पीछे खड़ी है न्यू ब्रेजा, और सबसे पहले आप इसके फ्रंट लुक्स की बात करते हैं। लुक एट द लुक्स मैन, मींस कंप्लीट काया पलट दी गई है। लुक एट द फ्रंट मैन, ये ग्रिल जो है माचो लुकिंग, और ये बदली है सबसे पहले। एंड मैंने कम ऑन टू द हेडलाइट्स, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इन द फ्रंट, और जो DRL है ये चेंज हो गया। पहले सिंपल सीधा DRL होता था, अब इसको दो पट्टियों में डाल दिया गया है। बहुत अच्छा। नीचे आपकी फॉग लाइट्स हैं, एंड लुक एट द फ्रंट बम्पर, अमेजिंग मैन, इजंट इट लुकिंग अमेजिंग मैन। बोनट जो है पहले जैसा ही है, एंड देयर इज़ नो चेंज। अभी मौका दिखता है तो इसको लाइट जला के दिखाते हैं डॉल कैसी लग रही है। बट ओवरऑल अगर ऐसी लुक्स देखने को मिले आपको कार की, तो भाई लाजो। न्यू ब्रेजा के अंदर लगे हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स, और ये देख लीजिए डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, एंड टायर सेक्शन जो है 215/60/16। लुक एट दिस मैन, अमेजिंग। वाजे के साथ साथ ये टोनिंग जो है बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं ब्रेजा को बैक से दिखाना शुरू करूँ, तो ये है ऑल न्यू LED बैकलाइट। ये इंडिकेटर जल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग करी गई है। लुक एट दिस, और जो ये बैज है ब्रेजा का जो स्टिकरिंग है, ये आप पहले से बहुत बोल्ड है, अमेजिंग। और ये डिफॉगर है, वाइपर है, ये रूफ स्पॉयलर है। रूफ स्पॉयलर के बीच में ही आपकी एक लाइट दी गई है। अगर मैं बम्पर पे आता हूँ, बम्पर पे देखें थोड़े ये जो दिख रहे हैं, इसमें 4 सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स। सो बूट को खोलने के लिए यहाँ से ओपन करना है। लुक एट दिस, इसके अंदर 328 लीटर्स का बूट स्पेस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं इसको उठाऊँ तो यहाँ पे इसकी स्टेपनी दी गई है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट दी गई है। रूफ पे ये शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, और ये रूफ रेल्स आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ब्लैक के साथ दोनों तरफ। एंड वहाँ पे सनरूफ है, आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अगर मैं साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, आप ये साइड प्रोफाइल देख लीजिए कैसी लग रही है, एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। डोर खोलने के लिए इनसे दिया गया, आराम से आप डोर खोल सकते हो। बाकी कोई अंदर शूट कर रहा था, अभी आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज़ OVRM विद इंडिकेटर्स, कैसे लग रहा है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द ब्लैक कलर। कंपनी ने न्यू ब्रेजा को 3 डुअल टोन कलर्स और 3 नॉर्मल कलर्स में लॉन्च करा है। प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे, बट अंदर से बहुत सारे से फीचर्स हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी वाइज अमेजिंग मैन, मतलब मींस काया पलट दी गाड़ी की कंपनी ने। तो अभी दिखाते हैं अंदर से, कोई जब शूट ख़त्म हो जाएगा मौका देके। बट ये वाली जो गाड़ी है, मैं पहले बता दूं, ये ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक में बहुत सारे एडिट फीचर्स है, मैनुअल भी है। बस देखते हैं, जो जिसको भी दिखाने का मौका मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। अंदर का लुक देख लीजिए, एंड दिस लुक्स प्रीमियम मैन। दिस इज़ बकेट सीट्स, डुअल टोन, बहुत अच्छी लग रही है, कम्फर्टेबल। और अंदर अब बैठते हैं इसके।
लुक एट दिस मैन, सबसे पहले तो हेड्स अप डिस्प्ले, दिस इज अमेजिंग। कंपनी ने जो चीज़ें इसके अंदर दी हैं भाई लाजवाब। 9 inches इंफोटेनमेंट सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ दी हैं, मतलब 40 फीचर्स जो आपकी सुजुकी कनेक्ट ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एसी वेंट्स, दिस इज़ हैजार्ड, ये एसी के लिए है। क्लाइमेट कंट्रोल, दिस इज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट दिस इज़ वायरलेस चार्जिंग, 15 वॉट्स का चार्जर दिया गया, फास्ट चार्जिंग। दिस हल्का सा ब्राउनिश और ये सिल्वर लाइनिंग कैसी लग रही, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग दी जाती है। ओ मैन, सीरियसली एम्बियंट लाइटिंग का बाय डिफॉल्ट कंपनी फिटेड, मारुति क्या करना मांग रही है, अमेजिंग मैन। स्टीयरिंग पे आता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ये देखिए इसके अंदर दिए गए हैं पैडल शिफ्टर, 6 speed और बाकी कंट्रोल्स वगैरह सारे यहीं पे हैं। देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये भी चेंज कर दिया गया है, पहले से जैसा नहीं है। यहाँ पे सामने अगर आप देखेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हेड्स अप डिस्प्ले पे दिखती है। ये पोजीशनिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं, इसको दबाया और ये देखिए 360 डिग्री कैमरा ये ऑन हो गया। दिस इज ऑल्सो न्यू फीचर विच इज बीन एडेड इन टू द न्यू ब्रेजा वैन। डोर्स वगैरह ओपनिंग वगैरह सारी बटन यहाँ पे दिए गए हैं। सेटिंग्स और OVRM की सेटिंग यहाँ पे है। जितने भी सारे कंट्रोल्स वगैरह, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सारे यहाँ से है। क्रूज कंट्रोल का स्विच है, सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है कुछ चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे आपने कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। सो ब्रेजा के अंदर एक और ज़बरदस्त फीचर है, वो है ये देखो सनरूफ। ओह मैन, सीरियसली मारुति क्या करके मानेगी। बट हाँ, सनरूफ को खोलने के लिए करना क्या है, ये यहाँ पे रहा बटन, इसको मैं दबाता हूँ तो भाई ये देखिए सनरूफ पूरी खुल जाती है। इसको दबाया, ये बंद हो गई। भाई साहब अमेजिंग। सो ब्रेजा में एक और फीचर दिया गया है, वो यह है कि आप स्टेयरिंग को अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं सेट। यहाँ पे एक लैच दी गई है, उसको दबा के अगर आप करते हैं तो ये दिस इज़ द टिल्ट स्टेयरिंग। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको चाहिए, आप जैसे आगे पीछे जैसे भी आप करना मांगे आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इस तरफ प्लस आपको गियर डालने को है, इधर आपको गियर निकालने को, मतलब ऐसे ऐसे दबाओ, ऐसे ऐसे करो, बट भाव यार सिंपल, बहुत अच्छा काम करा मारुति ने यार। और मैं भाई को बोलूँगा पीछे से एक बार देख लीजिए सीट, पीछे बैठ के देखते हैं, आपको बताएंगे क्या क्या पीछे से, कैसी इसकी सीट की आपको कैसी लगती है, कितना कंफर्ट है पीछे बैठ के। अब बात करते हैं पीछे की सीटिंग की, कंफर्ट कैसा है आप ये देख लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि मेरी हाइट 5'11" के करीब है और मैं काफ़ी हेल्दी हूँ। ये सामान टांगने के लिए कुछ हुक दिया गया है और यहाँ पे एक बकेट्स दी गई हैं सामान रखने के लिए। और यहाँ पे 2 AC vents दिए गए हैं, 2 charging ports दी गई हैं, 1 C-type, 1 normal, एंड कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। और सेंटर में यहाँ पे ये देख लीजिए 2 cup holders की जगह, और हेडरेस्ट, हेड स्पेस देख लीजिए काफ़ी अच्छा है। एंड पीछे बैठा हुआ बंदा जिसको आराम से पूरा कैबिन दिख रहा है, फ्रंट से कैसा दिख रहा है। मैं दूसरी सीट में बैठा हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स, मींस 6 airbag के साथ ब्रेजा आ रही है, मतलब पूरा का पूरा जो कैबिन है दैट इज़ सेफ। बात करते हैं हम ब्रेजा के इंजन की, तो लुक एट दिस, इसके अंदर लगा है 1.5 liter का K-series dual jet dual VVT इंजन जो प्रोड्यूस करता है 102 BHP की आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली एट 136 Nm टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 gear है, ऑटोमेटिक में 6 gears हैं। और पहले वाली में दिखा दी आपको, मैं इंजन इस वाली में दिखाना मांग रहा हूँ आपको, लुक एट दिस। सो फाइनली अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई मारुति ने क्या प्राइसिंग पे गाड़ी को लॉन्च करा है। तो नेक्स्ट शॉट में आपको प्राइसिंग दिखेगी डिफरेंट मॉडल्स की, और कंपनी ने साथ में सब्सक्रिप्शन भी रखा है, वो भी साथ में आप देख लेना। बाकी मैं तो ये बोलूँगा मारुति नंबर मार गई। आज का ये ब्रेजा का लॉन्च कैसा लगा आपको यार? अमेजिंग अमेजिंग, मारुति ने मोर्चा मार दिया है। 2022 न्यू ब्रेजा ला के मार्केट में धमाका। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए इसे लाइक, वीडियो कर दिए शेयर, अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो लेना मांग रहे हैं उनको तो ज़रूर शेयर करिए। ऑल न्यू ब्रेजा विद अमेजिंग फीचर्स, अमेजिंग। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को बताओ नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।